हेडिंग डालने वाला है आपका कंसेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव। ये जेड इफेक्टिव है क्या? कंसेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव एक ऐसी चीज है जो आप फिजिकल में भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जेड इफेक्टिव है, सॉलिड स्टेट में भी जेड इफेक्टिव है, गैसेस स्टेट में भी जेड इफेक्टिव है, और पीरियोडिक टेबल में भी जेड इफेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सब जगह इसका अलग अलग मतलब है ना। वो चैप्टर और क्वेश्चन को आगे पढ़ने के बाद पता चलता है वो किस जेड इफेक्टिव की बातें कर रहा है। ठीक है, पीरियोडिक चल रहा है, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है मेरे लिए ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जेड प्रोटॉन है, तो ये इसको जेड प्रोटॉन से अट्रैक्ट कर रहा है और बड़ा प्यारा गाना गा रहा है। फोर्स कितना लगेगा, क्या लगता है आपको? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और के तो के है, क्यू की वैल्यू जेड ई, प्रोटॉन कितना चार्ज है जेड ई, और ये कितना है इलेक्ट्रॉन पे ई अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट केस इसमें कहा ये है बात, ठीक है। फिर दूसरी तरफ एक और न्यूक्लियस है, इसका करेक्टर अच्छा नहीं है, करेक्टर ढीला है, ठीक है ना। इसको बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर एक पे कंसंट्रेट कर रहा था, ये इतने सारे पे कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है करने दो। तो इस पर क्या होगा, इसका अट्रैक्शन क्या होगा? इस पे अट्रैक्शन होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे इन दूसरी वालों का क्या रहेगा? रिपल्शन रहेगा, बोलो यस और नो। तो इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा एफ नेट अट्रैक्शन, वो क्या होगा? जो अट्रैक्शन हो रहा है यहां से माइनस रिपल्शन हो रहा है वहां से, बोलो यस और नो। तो अट्रैक्शन जो हो रहा है वो है के जेड ई, एक तरह से देखा जाए तो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और रिपल्शन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से, खुद का खुद से तो करेगा नहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उनसे कम इलेक्ट्रॉन है, एक तो कम ही है, तो वो मैंने ले लिया के सिग्मा, जिसको मैं शील्डिंग कॉन्स्टेंट बोलूंगा, यानी वो रिपल्शन की बात करेगा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो नेट आ जाएगा के जेड माइनस सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मेरी तरफ से, जेड एक तरह से देखा जाए तो नेट फोर्स जो होगा, एफ नेट जो फोर्स होगा वो होगा के जेड इफेक्टिव ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां जेड इफेक्टिव की वैल्यू है जेड माइनस सिग्मा। तो हम जो जेड सोचते हैं उसमें नहीं आएगा, जेड माइनस सिग्मा हमें करना पड़ेगा। जेड अपने आप में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सिग्मा अपने आप में क्या है? एक तरह से शील्डिंग कॉन्स्टेंट हम बोलेंगे। किसी ने कहा मैं शील्डिंग नहीं बोलूंगा, स्क्रीनिंग बोलूंगा, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या इफेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या इफेक्ट। तो अलग अलग आदमी अलग अलग बोल रहे हैं, हम सबको रेस्पेक्ट देते हैं, हमारी आदत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही अपन हटा देते हैं, तो जीरो हो गया सिग्मा, साई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, खत्म। इसके अंदर यहां एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कोई पास है कोई दूर है फर्क उसका भी है। तो हमने कहा जेड निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन ये जो निकालना है हमारे सिग्मा, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, शील्डिंग कॉन्स्टेंट। तो स्लैटर रूल क्या कहता है वो देखते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट लिखिए,
लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट बाय स्लेटर्स रूल। कैलकुलेशंस ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट बाय स्लेटर रूल। इसने क्या बोला, बहुत प्यार से बोलता है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, मैंने कहा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट। सेकंड, वन बाय वन, अगला पॉइंट इसने बोला, मैंने लिख दिया, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त मैं एसएल थ्योरी भी यूज करता हूं। एसएल थ्योरी क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ऐसे लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p नहीं 4s2 3d 10 4p 6 5s2 5p 4d 10 5p 6 6s2 4f 14 5d 10 6p 6। आप भी जानते हैं। तो देखिए इसमें एक मुझे कोई सीरीज टाइप फीलिंग आ रही है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, अच्छी फीलिंग आ रही है कि याद हो गया। अगला अगर कोई लिखेंगे तो अपन ऑन द स्पॉट बना लेंगे। मैंने कहा ये कर लो। सेकंड पॉइंट उसने कहा कि हम स्लेटर रूल्स किसके लिए लगा रहे हैं ये बताओ। अगर स्लेटर रूल एस और पी के लिए लगा रहे हो तो लिखो स्लेटर रूल फॉर एस एंड पी। कैसे निकालते हैं हम, लास्ट जहां तक निकालना है एस और पी दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम एस और पी को अलग अलग लिखते हैं, लेकिन स्लेटर रूल निकालते वक्त पूरे एस और पी को एक साथ सोचते हैं। मतलब एक साथ सोचते हैं कि वो एक ही सब शेल में है। ठीक है, भेदभाव नहीं करते हम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे लिए क्या रूल लगेंगे, पहला रूल अगर आप एस और पी के लिए निकाल रहे हैं, लिखिए ऑल, लिखिए इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल से ही मैं समझा पाऊंगा। 1s2 2s2 2p6 कोई एलिमेंट है, 3s2 3p3 है तो है। मैंने इसको क्या बोलूंगा मैं, वैलेंस शेल, इसको मैं क्या नाम दूंगा, पेनल्टी मेट और एंटी पेनल्टी मेट। वैलेंस शेल इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, इसका होता है कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, और एंटी पेनल्टी मेट शेल या उससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनका 1 पर इलेक्ट्रॉन। यहां एक स्टार पॉइंट है जिसका विशेष ध्यान दीजिए, पर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने काउंट होंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल एस एंड पी इलेक्ट्रॉन माइनस वन होगा। ये माइनस वन क्यों हो रहा है, क्योंकि खुद का खुद पे रिपल्शन नहीं लगाएगा। लिखना चाहो लिख दो ये लाइन, खुद का खुद पे रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मुझ पे होगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं,
मैं अपने आप पे थोड़ी ना रिपल्शन लगाऊंगा। तो अगला पॉइंट, तो हम इसके लिए सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देख लो आप, एक मिनट रुक जाओ। कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन और दो पांच, चार लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.35 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सिग्मा आया। थर्ड, जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू कितने निकालेंगे, 10 5 15, फास्फोरस है ये, तो 15 माइनस सिग्मा, सिग्मा ऊपर से निकाल के रखेंगे और जेड इफेक्टिव देखेंगे, ठीक है, कोई डाउट, पक्का। एक रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा पाया गया है, यहां नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहता है, और यहां पर भी आप जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां पर डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो बताओ 3D 4D 5D में नीचे जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बढ़ेगा, और किस फैक्टर से बढ़ेगा, बाय 0.65 फैक्टर, हर बार इस वैल्यू से बढ़ेगा, फैक्टर नहीं 0.65 अमाउंट, पर स्टेप एक कदम चलने पे 0.65 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगाना ही मत। अब इसको लिख लीजिए आप, एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे यहां पर, एक्सेप्शन केस है, इन केस ऑफ हीलियम, आप सब जानते हैं हीलियम क्या होता है, 1s2, सही है। स्लेटर के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, लेकिन हम कितना काउंट करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय 0.35 काउंट करना चाहिए, लेकिन गलत है, एक्सेप्शन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.30 काउंट करते हैं यहां पर, एक्सेप्शन केस, ठीक है। तो अब इस हिसाब से जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी हीलियम के लिए, 2 माइनस 0.3, क्योंकि और तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1.7, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं है। अगर मुझसे कहा जाए इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, तो मुझे बचपन से सिखाया गया है आर रनाज 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, रनाज ऐसा सिखाया गया है, लेकिन ये तब लगता है जब जब एच ई प्लस हो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक हो, लेकिन अगर हीलियम के लिए निकाला जाए तो मैं 0.529 एन स्क्वायर, यहां जब मैं हीलियम लिखूंगा तो मुझे यहां जेड नहीं लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव, और एन की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, नहीं फर्स्ट शेल ही होता है, तो 1 का स्क्वायर और जेड इफेक्टिव है 1.7 एंगस्ट्रम में, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहां पर जेड इफेक्टिव लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। अचानक देगा ये, अचानक जल्दीबाजी में गलती होगी, ध्यान रखना ये पॉइंट, क्यों, क्योंकि कोई भी यहां पर आपको छोड़ के कोई भी नहीं लिखेगा 1.7, जल्दीबाजी में क्या लिखेगा 2, वो हीलियम को हीलियम प्लस देख रहा है, बचपन से देखता है,
सही है ना, तो वो हीलियम प्लस ही दिखाई दे रहा होगा उसको एटॉमिक रेडियस में, और उसको वो ऑप्शन भी मिलेगा, और 1.7 से डिफाइन डिवाइड करने के बाद भी ऑप्शन आ रहा है वो भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। तो देखना एच ई लिखा है या एच ई प्लस लिखा है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, अंतर हो जाएगा। कोई डाउट?